अपने संस्मरण से बात आगे बढ़ाओ। जाति का ब्राह्मण समझिए इस परिस्थिति को, इस देश में अंबेडकर के सपनों को कांग्रेस ने किस तरह चकनाचूर किया है। ये बात जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये बात शायद कोई साहस करे बोलने का। हमारा जो मातृ संगठन है, जिसको 1925 में स्थापना के बाद जिसने हिंदू समाज की एकता के लिए, व्यक्ति के निर्माण के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए काम किया, उसने कितने प्रयत्न किए समाज को एक करने का, छुआछूत भेदभाव को, जो महात्मा गांधी का सपना था। मैं प्रत्यक्ष उदाहरण आपको उपस्थित होकर बोल रहा हूं। गांव का आदमी, रूढ़िया गांव में, उससे निकला हुआ कक्षा 9वीं पहुंचा बनारस पढ़ने, और मैं संघ के संपर्क में आया। मैं स्वयंसेवक बना 1970 में, और मेरी बात को मीडिया से मैंने निवेदन करूंगा सही अर्थों में मेरे भाव को ले, क्योंकि मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन बैठे बैठे मेरे मन में आया कि मैं जीवन की खुद की घटना रखता हूं। स्वाभाविक है कि अभी संघ की शाखा में जाते जाते वो भाव पूरी तरह मन से खत्म नहीं हुए थे जो गांव के अंदर रूढ़ियां थी। हम लोग शाखा में जाते थे, एक श्रीमान पन्नालाल जी थे, अक्सर हम लोग चार चार आना सब लोग मिलाते थे अपना, और पन्नालाल जी एक शाखा खत्म होने के बाद हम लोग एक दुकान पर जाते थे, बड़े दोने में जलेबी ली जाती थी, और वो जलेबी जो है वह पन्नालाल जी अक्सर पकड़ लेते थे, सब लोग मिला मिला के जलेबी उसमें खाते रहते थे, पन्नालाल जी भी खाते रहते। दो चार छह महीने के बाद मुझे पता चला कि पन्नालाल जी अली थे। जैसा मन में भाव, बच्चे का लड़का था, जीवन कक्षा 9वीं का विद्यार्थी, अपना हम शाखा जाना छोड़ दिए, हमारे माननीय प्रचारक विष्णु जी आए गए, क्यों जा रहे हैं, उनका हमारा सब धर्म बिगाड़ दिया आप लोगों ने। वो रोज जलेबी पकड़ रहे थे पन्नालाल जी, और मैं उसी में खा रहा था। वो मुझे फिर उन्होंने मुझे जो पढ़ने को दिया, उन्होंने जो मुझे समझाया, फिर कैसे हम लोग प्रातः अम्बेडकर जी का स्मरण करते हैं, कैसे मेरे जीवन में बदलाव लाया, वही डॉक्टर महेंद्र पांडे आपके बीच भाजपा के जिम्मेवार।